देता हूँ कि आज उन्होंने 75वें वर्ष का आयोजन किया। और जब इसकी सूचना हमको मिली तो मुझे बड़ी खुशी हुई। इसके पहले तो इसके बारे में कोई बात नहीं कभी किया था। आज तो पहली बार जब आपका 2-3 दिन पहले सूचना मुझको मिली तो मुझे इतनी खुशी हुई कि 75वां साल हुआ और आप सब लोगों ने बता ही दिया है कि भाई ये तो यहाँ पर बन गया था बिहार लोक सेवा आयोग 1 अप्रैल 1949 में। अब उसके बाद तो शुरू में एक एक रहा वो वहाँ पर रांची में, लेकिन उसको फिर 1 मार्च 1951 से पटना में लाया गया और तब से ये चल रहा। अब पहले तो आयोग में 1 अध्यक्ष और 10 सदस्य होते थे, लेकिन बिहार झारखंड जब अलग हो गया तो 200 से अब 1 अध्यक्ष 6 सदस्य होते। आज हमने देखा कि 6 सदस्य नहीं, हम तो बराबर जानते थे लेकिन पता नहीं हम तो, इसलिए हम तुरंत हमने दीपक कुमार जी को बुला करके कहा कि ये बताइए कि अभी मात्र इनसे हम पूछे कि आपके मात्र 3 ही सदस्य भी हैं, 6 सदस्य क्यों नहीं। तो कुछ लोग रिटायर कर गए। तो भाई इसमें तो नहीं होना चाहिए, इसके पहले तो हम लोग बराबर देखते रहते थे कि 6 सदस्य है तो 6 सदस्य होना चाहिए, तो 3 बचा हुआ भाई देखिए तुरंत 3 बाकी लोगों का जो होना है मनोनयन तुरंत करवाइए, देर मत करिए, ये कोई अच्छी बात है। अब आप सोचिए ना इनको कितनी बड़ी जिम्मेवारी दे दी। अब बोलिए 18 साल से आयोग द्वारा विभिन्न पदों पर 24,301 नियुक्ति हुई थी अभ्यर्थियों की, इस बार इनको क्या करना है 45,898 पदों पर उसकी कार्रवाई चल रही है। अब सोच लीजिए, अब आप समझ लीजिए कि इतने बड़ी संख्या में इनको करना है, इनका पद खाली रहेगा साहब। हम पिछले कह रहे तेजी से होना चाहिए, बहुत दिन पहले तय कर दिए थे हम लोग ये समूचा जो है। तो जितने हेडमास्टर साहब सबसे प्राइमरी स्कूल मिडिल स्कूल और प्लस टू स्कूल, तो हम पूछ रहे थे कि भाई देरी काहे की होगा, उन्हीं को दिया हुआ हम लोगों ने कहा कि भाई वही करेंगे सबसे अच्छा है। अब 3 खाली है, देखिए अब ये अगले 5 दिन के अंदर ये सब काम कर दीजिए ताकि कोई दिक्कत नहीं सही काम हो जाए। हम एक बार कहेंगे आपसे कि काहे नहीं, आप ये जो कहते हैं ये किसी तरह से भी कोई तरह की भी दिक्कत होती है भाई आप ये देख लीजिए। आप तो अतुल कुमार जी, आपको किस आधार पर हम लोगों ने क्या सोच करके कहा कि आप रहिए? आपसे बड़ी उम्मीद रहे, यहाँ पर पुराने लोग बैठे हुए हैं, सब पर बहुत उम्मीद थी, तभी ना इस काम को करते रहते जी। पहले कौन आते थे कौन नहीं आते थे, और जब से हमको काम करने का मौका मिला है उसके बाद ही से ना हमने करना शुरू किया। जो हमारे सीनियर आई है सबसे वैसे लोग रिटायर कर हम तक नहीं बुला करके वहाँ पर रखेंगे और वहाँ पर आकर के जितना कम ही समय उनको मिलता है लेकिन फिर भी सारा काम देखते हैं। और हमने सारे महत्वपूर्ण लोगों के बहाली के लिए सब हम लोगों ने किया है कि सब लोग ठीक से रहे, एक एक तरह का काम करें। तो ये सब सोच करके जो हम लोग किए हुए, अगर जरा भी कोई समस्या हो कृपा करके कहीं से भी आपको लोक सेवा आयोग में किसी तरह की कोई दिक्कत और कोई समस्या आ जाए आप कृपा करके सरकार को सूचित कर दीजिए, तुरंत इनको खबर कर दीजिए दीपक जी को तुरंत, ताकि वो हमारे कार्यालय को यही ना देखते हैं। अनिता भी चीफ सेक्रेटरी का लंबा चौड़ा भाषण हो ही रहा था, तुम कहाँ ध्यान दे रहे हो, चीफ सेक्रेटरी को देखना चाहिए भाई, काहे नहीं देखते। यहाँ पर भाषण आप दे रहे थे, आप पूरा बता रहे थे, अपना कहानी बता रहे थे और दूसरों के बारे में कह रहे थे, सुन रहे थे, काहे 3 खाली? ये कोई तरीका है? सब एक एक चीज को देखना चाहिए। हमको आज बड़ा तकलीफ हुआ, इसलिए हम आपको कह रहे हैं 5 दिन के अंदर ये सब काम को पूरा कर दीजिए, कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। हमको तो कभी कभी लगता है कि अब ज्यादा से ज्यादा और हम चाहते हैं कि हम लोग बिहार लोक सेवा आयोग को सपोर्ट करें और ज्यादा चीजों को कमी, पहले कुछ और लोगों के लिए बना दिए, अब कितना देर लग रहा है, तो काहे नहीं फिर कर दे। और अगर आवश्यकता हो और कानून के मुताबिक वो सहमत हो तो हम लोग इनकी और सदस्यता बढ़ा दे। और दूसरी बात अभी कह रहे थे कि इनके जितने स्टाफ है अब उसमें कोई कमी आ गई है, भाई कमी तो नहीं होना चाहिए, इस बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए। हम लोग 75वें साल जा रहे हैं खुशी प्रकट करने के लिए, तो इसका मतलब है उसमें कोई तरह की कमी नहीं रहनी चाहिए। अगर कहीं पर कोई इनको है जरूरत तो कृपा करके खाली हम 3 उनके लिए नहीं कर रहे, बाकी जितने हैं सबका पता कर लीजिए। खाली चीफ सेक्रेटरी साहब भाषण नहीं, आप अभी रुक करके कहा आपका तो थोड़ा देर के बाद ना होगा पूजा पाठ, अभी आप बतिया लीजिए, यहीं पर मीटिंग खत्म होगा जान लीजिए कौन कौन पद खाली है और हम इनको भी छोड़ देते हैं दीपक बाबू, यहीं पर जान लीजिए ताकि एक एक चीज को बहुत तेजी से इनको किसी तरह की कमी नहीं होनी चाहिए। आप कितनी खुशी की बात है हमको बताइए, यहाँ पर आ गए कर्नाटक से, आप बताइए आसाम से, ये सब लोग जो यहाँ पर आए हुए हैं ये कितनी खुशी की बात है। इन सब लोगों का बड़ा स्वागत है भाई, आप यहाँ पर बिहार के कार्यक्रम आए बहुत खुशी की बात है। यहाँ पर जब आप लोगों ने बुलाया है सब लोग आए हैं तो कितना अच्छा, इतना बढ़िया ढंग से काम करिए और सब जगह भी अच्छा ही काम होता है आते हैं। तो दिन हम लोगों ने उसके अलावा बहुत सारा बिहार राज्य कर्मचारी चयन आयोग, तकनीकी सेवा आयोग, बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग, केंद्रीय चयन परिषद, बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग, हालांकि विश्वविद्यालय सेवा आयोग वाला काम जो हम देख रहे हैं वो बहुत ढीला हो रहा, वो पूरा काम नहीं हो पा रहा। तो जब इतना ज्यादा हम लोग विश्वविद्यालयों के लिए कर रहे थे तो अपना देख लीजिए काहे दिक्कत हो रहा है, इसकी पूरी की पूरी समीक्षा करिए, उन लोगों के साथ बुलाइए और बैठिए और अगर नहीं हो रहा उसका कारण देखिए, और नहीं तो इनकी संख्या पूरा बढ़वा करके हर तरह से करके इनको भी वो जिम्मेवारी दे दीजिए ताकि यही सब कुछ को करें और तेजी से करवा दें ताकि किसी का भी कमी नहीं आना चाहिए। हम तो चाहते हैं कि जो कुछ भी है उनकी बहाली, और यहाँ पर जरा भी गड़बड़ सड़बड़ नहीं होता है आप जान लीजिए लोक सेवा आयोग का, किसी तरह की कोई गड़बड़ी नहीं, बहुत अच्छे ढंग से काम सब करते हैं। हम लोग को खुशी शुरू में होता था इधर और उसका कितना बढ़िया से सब काम कर रहे हैं, एक बार बीच में कहा कुछ रिलीज हो गया था हम लोग को बड़ा तकलीफ, तुरंत बात किए कि ऐसा कैसे हो गया कि कहाँ क्या रिलीज हो गया, ध्यान रखिए कि कोई इधर उधर गड़बड़ न करे, उसको कैंसिल किए और उसकी परीक्षा ले लिए, तो लेकिन इस तरह से कोई तरह की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आजकल के युग में तो जानते हैं ना कि बहुत लोग इधर उधर गड़बड़ करते रहता है, तो उसको ध्यान रखिए पूरे तौर पर कि कोई गड़बड़ी नहीं हो और सब काम ठीक ढंग से हो। और आप लोग तो इतना अच्छा काम कर रहे हैं, एक भी के बारे में कोई इधर उधर से कभी आया है कि हाँ उन्होंने ठीक नहीं किया, एक बार वो सदस्य के बारे में आता तुरंत अपना छोड़ जाके भागे, तो कहने का मतलब है कि सब नहीं होता है, बहुत अच्छे ढंग से सब लोग काम करते हैं। तो इसीलिए आप सब लोगों की संख्या और कहीं भी कोई कमी है उसको हम यही चाहते हैं कि बहुत तेजी से सब काम को करवा दीजिए ताकि कोई दिक्कत इनको नहीं होनी चाहिए। और हम लोग इतने तरह से कर रहे हैं, अब बताइए कितना ज्यादा काम करवाना, अभी जो हम बता रहे हैं कि आपको जब हमने बताया कि अभी इनका 45,892 तो भाई तेजी से होगा तब ना, उसमें आप बोलिए ना भाई 40,000 जो 506 है हेडमास्टर साहब का, तो उसको तेजी से ना होना चाहिए, देर नहीं होना चाहिए, तो तेजी से काम हो तो कोई तरह का दिक्कत इनको नहीं आना चाहिए। जो भी चीज की आवश्यकता हो वो दीजिए और इनको काम करने के लिए जो भी जरूरत होती है तो राज्य सरकार तो हर तरह से उनको सहयोग देने को तैयारी है ना भाई, उसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए।
और आप समझ लीजिए, तो अभी आप बोल रहे थे, चर्चा कर रहे थे, बड़ी खुशी हुई हमको कि आप बता दिए कि जो बात करते हैं कि आप जहां सब जो पास करता है, ये पहला राउंड पास करता है अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अति पिछड़ा, तो इसके लिए हम लोगों ने पहले से तय कर दिया कि भाई अगर संघ लोक सेवा आयोग में पहला राउंड पास करेगा उसको 1,00,000 रुपया देंगे। गरीब आदमी है ना, आगे का पढ़ पाएगा, आगे ठीक से कर पाएगा कि नहीं। और उसी तरह से हम लोग बिहार लोक सेवा आयोग से पास करता है उसको 50,000 रुपया का मदद करते हैं ताकि वो अगला बार जो करना है उसको खूब ठीक ढंग से पूरी तैयारी करके जाए। अब कितने लोगों को फायदा हो रहा है आप समझ लीजिए, यूपीएससी में 256 और बीपीएससी में 8,912 अभ्यर्थियों ने लाभ लिया है। ये कोई मामला नहीं, तो सबका मदद करते हैं, जो गरीब गुरबा तबका का लोग है उसकी मदद के लिए सारा काम करते हैं ताकि सब चीज को। आज आप लोग भूल रहे थे तो मुझको खुशी हुई कि भाई इस बात की चर्चा कर रहे हैं और आज के सब लोगों के सामने बता रहे हैं कि ये काम भी हुआ है। तो राज्य सरकार ये सब काम तो कर ही रही है और सब तरह से कर रहे हैं और हम लोग लोग युवाओं को रोजगार और सरकारी नौकरी ये सब का करने के लिए जो सब काम कर रहे हैं, हम लोगों ने तय कर दिया है कि 10,00,000 लोगों को हम नौकरी देंगे और 10,00,000 लोगों के लिए रोजगार का अवसर देंगे और उसी के लिए सब काम करवा रहे हैं। तो तेजी से भाई 10,00,000 का जो हम देखते बहालियां तो होना ना चाहिए, तो उसी के लिए बहुत जरूरी है कि सारे लोग, एक तो जो बीपीएससी है वो और बाकी जो संस्थाएं हैं वो तेजी से काम करें ताकि लोगों को बहुत ईमानदारी से काम, एक भी गड़बड़ इधर से उधर नहीं होना चाहिए। तो अभी तक तो जितना काम हो रहा बहुत अच्छा है, आगे भी ध्यान रखिएगा। खाली मेरा एक ही आग्रह है और कुछ नहीं है कि किसी तरह से कोई तरह का दिक्कत नहीं हो और उसके लिए अगर आपको जो भी और जितना भी चाहिए कि जितना स्ट्रांगली हम देखेंगे कि कोई चीज रिलीज कोई नहीं कर सके। अब कभी कभी कर देता है, आजकल तो आ गया सोशल मीडिया, आज 2 घंटा के बाद फिर रिलीज करवा देता है, कहीं पता चलता हल्ला हो जाता है कि रिलीज हो गया है, तब होने लगता है जांच। तो सब सोच लीजिए कि कोई कैसे रिलीज करेगा, तो अंदर तो अलाउड नहीं है भाई। जो भी आदमी का ड्यूटी लगाते हैं उस आदमी को ड्यूटी लगाने में भी अंडबंड कोई चीज का प्रचार करने के लिए परीक्षा होती है, उसमें सिर्फ परीक्षा उसको लिखना है, तो उसमें अलाउ मत करिएगा। कोई भी आता है वो अपने पास लेकर के नहीं आए, और जिन लोगों को ड्यूटी में लगाया जाता है, अब यहाँ पटना का डीएम तो मौजूद है, हम तो कहेंगे सब लोगों को कि सब जगह पर जिन लोगों को ड्यूटी मिलती है बाकी सब जगह जो परीक्षा करवाते हैं तो वहां पर कोई गड़बड़ सड़बड़ नहीं करे, नहीं तो पता चला कोई चीज को रिलीज कर देगा कुछ इधर से उधर और उसी के बारे में चर्चा हो जाएगी, पता चलेगा गड़बड़ हो रहा है। तो इसलिए ध्यान रखिएगा जरा, एकदम बिल्कुल पूरी मजबूती के साथ परीक्षा होती है, परीक्षा हो रही है, कोई इधर उधर कोई काम नहीं कर पाए, उन सब चीजों का ध्यान उसको जो लगता है देना चाहिए। और कितना इंपॉर्टेंट है और कितना महत्वपूर्ण है साहब, और जो कुछ भी हो रहा है तो 75वां साल हो रहा है, ये कितना खुशी की बात है। तो हम तो चाहेंगे कि 75वां साल है तो इस साल इनका और ज्यादा विस्तार होना चाहिए, कोई चीज में कमी नहीं होनी चाहिए, और इनको जितना दिया गया है उससे भी ज्यादा इनको और जिम्मेवारी दे दीजिए ताकि सब लोग इतना तेजी से काम करेंगे और इतना अच्छे ढंग से काम करेंगे कि सब बेहतर ढंग से, कोई गड़बड़ आदमी सिलेक्ट नहीं होगा, सब ईमानदारी के साथ सिलेक्ट होगा। और एक बात जो हम खाली कहना चाहते हैं कि कई लोग जो देता है ना इंटरव्यू अंत में लास्ट में जो लेते हैं, तो खाली इस बात का ध्यान रखिएगा, कभी कभी आ जाता है कि जो बहुत ज्यादा जिसको नंबर आया था परीक्षा में लेकिन जब इंटरव्यू हुआ तो उसका बहुत कम आया, तो जरा काइंडली हाथ जोड़ के प्रार्थना करेंगे कि इस बात का ख्याल रखिएगा कि जब बहुत ज्यादा उसको लिखने में आया है नंबर तो इंटरव्यू में इतना कम काय हो गया, तो इसका कभी ध्यान रखिएगा। हम तो नहीं कहेंगे कोई गड़बड़ करते हैं, हम तो यही कहेंगे कि किसी प्रकार से ऐसा नहीं कि ऐसा भी कभी कभी आता है तो कोई बोलते रहता है कि हमको तो इतना आया अब इसके बाद भी हमको इस तक, तो वो बात ठीक नहीं लगता। ये सब चीज अपने ढंग से इतना बढ़िया ढंग से करिए, एक बात और कि आप लोगों के लिए जो आवश्यकता है उन सभी आवश्यकता को यथाशीघ्र हम पूरा कराएंगे और आप और आगे बढ़िएगा। आज 75वां साल है तो जब हम लोगों की जिम्मेवारी है कि आप लोगों के लिए और अच्छा करेंगे और इसके बाद कोई साल होगा तो इतना बढ़िया और इतना ज्यादा लोगों को आप नौकरी देंगे और इतना अच्छा काम करेंगे कि आपको हर साल कोई ना कोई कार्यक्रम आपको बनाना पड़ेगा, करना पड़ेगा, बहुत खुशी की बात है। तो इसलिए आप सब लोगों का मैं अभिनंदन करता हूं, आप सब लोगों को मैं बधाई देता हूं और आपने इस अवसर पर बुलाया इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जो हमने कह दिया है उसको यथाशीघ्र ये लोग काम करेंगे और दोहरा के कर देते हैं, हम लोग चले जाएंगे, आप लोग रुक के इन लोगों से बात कर लीजिए ताकि तेजी से कोई चीज में कमी नहीं होनी चाहिए इन शब्दों के साथ। और जो बाहर से आए हुए आप सब लोगों का अभिनंदन, आज जितने पुराने लोग हैं उन लोगों का भी अभिनंदन, जो पुराना लोग भी बचिएगा साथ, आप लोग का भी अनुभव ऐसा नहीं जी, आप सब लोगों का पढ़ना है तो सब लोग एक एक बात कर लीजिएगा और जो जरूरत है ताकि उसको किया जाए तेजी से। इन शब्दों के साथ आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद और मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।